लास्ट चेक कराया था उसने यही बताया था कि -3 -4। पता है ये लड़कियों के ना ये आँख खूब खूब मारती है ना ये लड़कियां, तो एक आँख का इस्तेमाल ज्यादा होता है। फालतू बकवास कर रहे हैं। मैं अच्छा ये बताओ आशीष को कैसे फंसाया आपने? ये बिल्कुल झूठ है, मैंने किसी को नहीं फंसाया। मेकअप की दुकान आ जाते शहर से, तूने मुझे मेकअप की दुकान बोला। आ गया स्वाद आ गया स्वाद तो इस तरीके का थोड़ा गाइस ये है ना जो ये अमन, ये कल हमें बड़ा परेशान कर रहा था, डायलॉग नहीं बोलना आ रहा, ये नहीं बोलना आ रहा। अब बता भाई तेरा डायलॉग। मेरा डायलॉग बता भाई। इतना लंबा है, इतना लंबा, पता नहीं मुझसे होगा भी नहीं होगा। गाइस ये पता है कल क्या बोल रहे थे? अरे तुम्हारा ये वाला डायलॉग रह गया। नहीं नहीं दीक्षा मैम का ये वाला डायलॉग रह गया। चलो मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। अरे फिर क्या था? लिसन, अरे सर प्लीज मुझे करने दो, सर मैं करूँ। लिसन सच में जो कल इन दोनों का एक्ट था और जो एके का था, जो मतलब जो एके का एक्ट था, वो सारा एक्ट मेरे को याद था। फिर आप अपना याद रखो ना भाई। हाँ, तो मेरा भी याद था, बट इनका भी याद हो गया था। मैंने सोचा मैं कर लूं इसलिए मैंने बोला था, और मेरे को अभी याद नहीं है इसलिए मेरे को ये दोनों चीट कर रहे हैं। इन्होंने डायरेक्टर को इतनी भड़क बिठा दी कि डायरेक्टर ने सारी सारी को कर दी, और वो पता है क्या बोला? करेक्टर चेंज। सर ने बोला कि ये करेक्टर अमन करेगा, बट किया नहीं, हो गया जैसे होना था। क्योंकि हमने इतनी देर से मेहनत कर रहे थे इसलिए वो हम ही गए। हाँ, और जब तो हम डायरेक्टर की भी नहीं मानने वाले थे, हम तो करेंगे भाई, हम ही करेंगे। सर ने बोला कि वरना हम ये वीडियो करेंगे ही नहीं। सर ने बोला करेक्टर चेंज हो जाएगा। एक के बोलता नहीं, ये करेक्टर अब मेरा ही है, मैं ही करूंगा इसको। क्योंकि उन्होंने मेहनत की, उन्होंने अपने शूज उतारे, नंगे पैर वो घूम रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल जायज बात। एक दिन पहले नंगे पैर ये घूम रहे थे, ये भाग रहे थे, छाले पड़ गए थे मेरे पैर में। और हाँ गाइज भाभी जी का बर्थडे है 20 तारीख को, हैप्पी बर्थडे बोल देना कमेंट बॉक्स में। थैंक यू पहले से आप सभी को। और गिफ्ट वगैरह लोगे या वैसे ही? नहीं वैसे ही ठीक है, नहीं दे देंगे कोई ना कोई। नहीं आपका प्यार काफी है। कैसा लग रहा हूँ? कोना सुथरा लग गया, टेक दे। कमेंट में बताना, इधर दिखाओ, कमेंट में जरूर बताना मैं कैसा लग रहा हूँ। भाभी सुपर सुपर ये कटरीना कैफ। अब पता ये लोग बोलेंगे इतना भेदभाव कैसे। गाइस अब बताना ये अच्छे लग रहे थे या मैं अच्छी लग रही हूँ? आप ही अच्छे लग रहे हो। चश्मा है ना एक एक है, पर हम यूज कर लिया है ना, कोई नहीं। और हाँ बॉयज मुझे ही जरूर बोलना कि आप अच्छे लग रहे थे, कभी बॉयज भी गर्ल्स को बोल दे। और गर्ल्स को गर्ल्स तो बोलेंगी कि ये लग रही थी अच्छी। गर्ल्स नहीं बोलेंगी, बॉयज बोलते हैं। बॉयज गर्ल्स तो एक दूसरे से जलती है ना, तो तुम्हें बोलेंगे ना, मेरे को क्यों बोलेंगे, है ना? इसको गर्ल्स पसंद नहीं है। बोल लो और कुछ मेरे बारे में कुछ रहे। नहीं कुछ भूल गए हो तो मैं याद करवा दूं। चलो गाइस अभी बहुत मजे ले लिए मैंने अमन भाई के, चलो चलने देते हैं। बेइज्जती हो रही है, होने दो अच्छे से। गाइज इस भाई को ना मजा आता है बेइज्जती कराने में, तो इस वजह से बोल रहा है वीडियो को चलने दो और मेरी खूब बेइज्जती करो। मैं पता है क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि तारीफ कभी होती नहीं है, बेइज्जती सुन लूं अच्छे से, जी भर के बेइज्जती ही सुन लूं। नहीं इनका है ना मन नहीं लगता जब तक ये बातें ना सुन। अब मैं भी लगा के देख लेता हूँ एक बार। यू आर इंटेलिजेंट, यू नो। थैंक यू। मुझे कैसा लग रहा है? मुझे कैसा लग रहा है? मैं कैसा लग रहा हूँ? हाँ मैं कैसा लग रहा हूँ? गाइस बताएंगे कैसा लग रहा था। हाँ तो आप भी तो ओपिनियन दो कुछ, कमेंट करके बताना। आप भी तो कुछ जज करो। मुझे तो सभी अच्छे लगते हैं, जो लगा ले वही अच्छा। सब नहीं, सब नहीं, सबका नाम नहीं लेना। मेरे को भी ऐसे लगते हैं। सिर्फ एक के का नाम लेना है क्या? जो भी ऐसे गॉगल्स लगाते हैं ना मेरे को, वो सारे ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि मेरा ध्यान पता है ज्यादातर गॉगल्स पे रहता है। क्योंकि आप भी गॉगल्स ही पहनते हो ना हमेशा। बोर हो गई हूँ मैं, काफी टाइम से पहनते हुए आ रही हूँ ना। देखो गॉगल्स देखो मैम के। बोर हो गई मैं। और पता है गाइस
वीडियो के अंदर है ना गॉगल्स नहीं पहनेगी, ये बोलती है मेरे को ना अच्छा नहीं लगता ये गॉगल्स पहनना यार, मुझे पसंद नहीं है। मैं पता है कब से पहन रही हूँ, 6th क्लास से पहन रही हूँ। अब कोई पसंद रहेगा इतने टाइम से पहनते पहनते? एक कपड़ा भी कंटिन्यू पहनते रहेंगे तो बोर तो हो ही जाते हैं ना। इतनी जल्दी चेंज बातों में, इतनी जल्दी चेंज ये क्या बात है भाभी जी? कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर आप कमेंट करोगे कि गॉगल्स अच्छा लगता है तो मैं लगा के रखूंगी, वरना तो हटा ही देती हूँ। नहीं फिर आपको दिखेगा नहीं? दिखता है, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल अंधी नहीं हूँ, मतलब थोड़ी दूर का दिखाई देता है मुझे। पता गाइस मैंने पहन लिए इनके गॉगल्स और मेरे को तो ना ऐसा अल्ट्रा वाइड नहीं होता, अल्ट्रा वाइड शॉट होता है वैसा दिख रहा मेरे को चारों तरफ का, मतलब एक साथ में और ऐसे घूम रहा धरती ऐसे घूम रही। एक सेकंड में ही निकाल दी थी। कैसा लगा? इन्होंने भी मेरा चश्मा लगाया था एक बार, कैसा लगा? मैंने लगाया था, एक्सपीरियंस बताओ। मैंने लगाया, लगाने के बाद मैंने ऐसे किया तभी निकाल दिया। क्यों? क्योंकि जो फीलिंग मुझे तब आई थी ना, मैं दोबारा नहीं लेना चाहता। क्योंकि वो बहुत अच्छी फीलिंग थी। बिल्कुल ऐसी फीलिंग रोज लिया करो, रोज। नहीं वो इतनी अच्छी फीलिंग नहीं लेनी ना, लिमिट की लेनी है। कितना नंबर है अभी आपका? -3 -4। अलग अलग ये कैसे? एक आंख खोल के देखती थी, देखती। पता नहीं जिसके पास चेक कराया था उसने यही बताया था कि -3 -4। पता है गाइस ये लड़कियों के ना ये आंख को मारती है ना ये लड़कियां, तो एक आंख का इस्तेमाल ज्यादा होता है। फालतू बकवास कर रहे हैं, मैं टीवी ज्यादा देखती थी बचपन में। ये टीवी तो दोनों आंखों से देखते हैं। ये बात मैंने सोची थी जो एक ही ने बोली, मैंने बोली नहीं, अब इन्होंने बोल दिया तो मैं क्या करूं, मैं इसकी बात से सहमत हूं। नहीं गाइस रियलिटी है, मेरे को आंख मारना नहीं आता। जो वीडियो देख रहे हैं ना वो भी सहमत है मेरी बात से, है या नहीं है? नहीं मुझे आंख मारना नहीं आता, सच बात है बिल्कुल। एक बार मार के दिखाना कैसे मारते हैं। अबे ना एक्टिंग करेंगे जान देख, 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 देख। अभी आपको मना किया ना कि नहीं आता, नहीं आता तो है ना, अभी एक्टिंग करके दिखाएंगे कि सच में मेरे को नहीं आता। अच्छा अगर आपको भरोसा नहीं है ना मेरी बात पे, इनकी बात पे भरोसा है, तो आप मेरी कोई सी भी वीडियो उठा के देख लो, मैंने कभी भी आँख नहीं मारी। वीडियो में थोड़ी आँख मारते हैं कभी। क्यों? लड़कियाँ लड़कों को नहीं छेड़ती, मुझे सीटी भी बजाने नहीं आती यहाँ तक की। हमें टॉपिक बता दिया, हमें टॉपिक दे दिया बात करने का। कहते मुझे सीटी भी नहीं मारने आती। अब बोलो अब क्या हो गया, अब क्या हो गया? आज बताओ ना आप। अच्छा ये बताओ आशीष को कैसे फंसाया आपने? ये बिल्कुल झूठ है, मैंने किसी को नहीं फंसाया। तो फंसाया मुझे था, और सीधा उसने बोल दिया मैं शादी कर रहा हूँ, आपने बोल दिया हाँ। कुछ तो हुआ होगा। नहीं मेरे एग्जाम चल रहे थे सेकंड ईयर, वो टीचर थे फिर, वो टीचर ही होते, वो मेरे एक अच्छे फ्रेंड थे, हमारी रोज बात होती थी। और जैसे मैं मेकअप का भी कोर्स कर रही थी, मैं लेट हो जाती थी रजौरी गार्डन से आते हुए, तो मैं खाली पीली टाइम तो कुछ होता नहीं था, तो किसी ना किसी के पास तो फोन मिलाना होता था ना, मैं सीधा फोन कर देती थी, हेलो क्या कर रहे हो वगैरह वगैरह। ये तो फसाना ही हुआ ना, फसाना नहीं हुआ, मैंने आज तक कभी आई लव यू नहीं बोला गाइस। आप आई लव यू मैटर नहीं करता, आई लव यू मैटर नहीं करता, कॉल करना मैटर था, बंदे के दिल में फीलिंग हो गई, मेरी कॉल ही कभी कभार जाती। आपने उसके दिल के तार हिला दिए ना, दिल के तार, फिर उसने पूरा ट्रांसफार्मर ही आपके पास ही रख दिया। दिल के तार जब ही लेते, जब मैं 5 मिनट के लिए मिली थी, 5 मिनट मैंने टाइम देखा, 5 मिनट हो गए, उसी टाइम मैंने बोला चलो मैं जा रही हूँ, सीधा वहां से चली गई मैं। अच्छा आपके हिले थे या उसके दिल के तार? ओके मैं आपसे एक बात और पूछ लूं, आई लव यू किसने बोला था पहले? एक मिनट मेरी बात सुनो, यहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं चल रहा है, मेरे से क्वेश्चन करने जा रहे हो। कबूल है, कोई नहीं मैं कबूल है पूछ लूंगी, किसने पहले बोला कि कबूल है? दोनों ही बोलेंगे, वो तो पहले आगे पीछे बोलेंगे ना, पहले तुम बोलोगे या वो बोलेंगे लव यू, या दोनों इकट्ठा बोलोगे कबूल है, इकट्ठा बोल देंगे इकट्ठा। ये देखो इकट्ठा कोई नहीं बोलता, मोमडनों में जो शादी होती है उसमें आगे पीछे बोलते हैं ना कबूल है, पहले लड़का बोलता है या लड़की बोलती है ये मुझे नहीं पता, तो इनमें से जो भी बोलेगा मैं तो इकट्ठा ही बोलूंगा, मैं आपको बताऊंगी।
और गाइस आपको एक बात और पता है, ये पता नहीं कि मुझे देख देख के हंसे जा रहे हैं। नहीं कैमरा को इस साइड क्लोज करो। ये देखो अभी भी मेरी साइड देख के हंसे। ऐसा कुछ नहीं है। और तो कैसा है, बातें बनानी है बातें बना लो। और गाइस आपको पता है, अगर आप हमारी वीडियो देखोगे ना फेसबुक पे जाके, तो इनको ना इतनी गालियां पड़ती है, इतनी गालियां पड़ती है, फिर भी शर्म नहीं लड़की को। मैंने सोचा पता नहीं क्या तारीफ करेंगे, मैं पूरी गौर करके सुन रहा हूं। मैं भी वही सोच रही थी। मेरे मुंह से तारीफ। आप लोग खुद बताना, जिसको गालियां पड़ती है पब्लिक उसको ज्यादा जानती है या फिर जिसकी इज्जत होती है उसको ज्यादा जानती है? आप खुद बताना। जिसकी इज्जत होती है। ऐसा कुछ नहीं है, जिसको गालियां पड़ती है ना, जो आवारा लड़के ना ज्यादातर उसी को देखते हैं। अच्छा तो गाइस मैं आपको एक बात बता दूं, वैसे गालियां क्यों पड़ती हैं, क्योंकि हम जो वीडियो बनाते हैं उसमें सोशल मैसेज होता है कि भाई लड़कियों लड़कियां धोखा दे देती है, ये कर देती है, वो कर देती है। तो जैसे आप जाके कमेंट में पता क्या बोलते हो, ऐसा ही होना चाहिए था लड़की के साथ में, इसके साथ में ऐसा ही होना चाहिए था। अगर भैया मैं आपकी जगह होता ना, तो मैं इसको थप्पड़ भी मारता, लात भी मारता, गुस्से मारता, हाँ इसके साथ इससे भी बुरा करता। आप ज़्यादा ही सीरियसली ले जाते हो, और इनका देखो अब मुंह बिचारी का। ज़्यादा सीरियस ले जाते हैं ये लोग, ये सोचते हैं कि ये मेरी रियल स्टोरी है। मेरी रियल स्टोरी है ही नहीं, मैं तो हंस रही हूँ मजे से, ये रियल स्टोरी है मेरी। शूट स्टार्ट होगा तो दोबारा वही हो जाएंगे फिर। हाँ, सैड वगैरह, रोना धोना, हंसना खेलना। हाँ बिल्कुल, एक दूसरे को चांटे मारना, इधर से यूं थप्पड़ पड़ा। गाइस पता है एक सीन था, उसमें क्या हुआ था, ये किसान बने थे ठीक है, तो इधर से मैंने ऐसे चांटा मारा तो एक ने बोला आया मजा। फिर इधर से एक को थप्पड़ पड़ा, इसने बोला आ गया स्वाद। आप जरूर देखना और आप बताना आपको हंसी आई या नहीं। और उस वीडियो में हमें बहुत टाइम लगा था, क्योंकि उस वीडियो में हमें मतलब आपस में हम दोनों ने बहुत कुछ बोला था आपस में। सो उसमें बहुत टाइम लगा था। ये तो कोई हर वीडियो के अंदर होता, मतलब एक दूसरे को ज्यादातर सुनाना। नहीं उसमें कुछ ज्यादा ओवर, तू ऐसा है, तेरे को शर्म नहीं आती, ये है वो है, हर वीडियो में ही होता लगभग। उसमें जैसे मोटा सुअर को वगैरह वगैरह, गलत क्या क्या ऐसा उसमें डायलॉग थे। फिर मैंने बोला मेकअप की दुकान, फिर इन्होंने मेरे को चाटा मारा, और फिर इन्होंने बोला कि ना आगे से बात, फिर मैंने इनको मारा, फिर इनको मैंने पता कैसे बोला था, आ गया स्वाद है वाला। गाइस आपको सीन करके दिखाते हैं, बोलो निकल जाए यहाँ से, मेकअप की दुकान आ जाते शहर से। तूने मुझे मेकअप की दुकान बोला, आ गया स्वाद है। आ गया स्वाद। तो इस तरीके का थोड़ा सीन है गाइस, आप जाके जरूर देखना। गाइस जरूर देखना ये वाली वीडियो। आई होप कि सबको पसंद आएगी, और लाइक शेयर पे मुझे तो बहुत हंसी आई थी। आपको हंसी आई या नहीं आई आप कमेंट करके जरूर बताना। और आज है ना गाइस, मैंने भाभी को कुछ ज्यादा ही बोल दिया, और भाभी जी सॉरी इस चीज के लिए, आपके मैंने ज्यादा मजाक उड़ा लिया आपके ज्यादा। और कुछ कहना चाहोगे? नहीं मैं और कुछ नहीं कहना चाहूंगी, मैं यही बोलना चाहूंगी हंसी मजाक चल रहा था, सीरियस कोई किसी के ऊपर मत लेना, आप भी सीरियस मत लेना हमने ज्यादा। मैं तो सीरियस हूं, अगर सीरियस लेता तो लेने दो भाई। सीरियस ले रहे हो? हाँ? तो फिर उन पेड़ों के पास जाके रो लो थोड़ी सी देर। वो रोने वाला सीरियस नहीं लिया मैंने, वो रोने वाला सीरियस नहीं लिया मैंने, दिल से सीरियस लिया है कि मेरे को मेरे फ्रेंड्स क्या क्या बोल रहे हैं। किधर किधर है दिल? दिल दिखा, दिल गलत बात, दिल इधर नहीं होता, दिल इधर होता, इधर होता दिल इधर। मैंने पहले यहाँ पे मारा था ना, तुमने ऐसे ऐसे किया। तो चलो गाइस अभी हम शूट पे मिलते डायरेक्टली, काफी देर हो गई आप लोगों से बात करते हुए। और ये हमारी आज गर्लफ्रेंड बनी हुई है, धोखेबाज गर्लफ्रेंड हमारी भाभी जी। बाय बाय। एक को सब्सक्राइब